हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी क्रीम रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है इसे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह आप घी या फिर डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी और इसका एक डो रेडी करेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा ही करके डालें। और इसका एक टाइट डो रेडी करेंगे। डो रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और इसे एक रोटी की तरह बेल देंगे। मैंने इसे बेल दिया है। इसके ऊपर बटर लगाएंगे। आप चाहें तो बटर की जगह आप घी या फिर डालडा भी यूज कर सकते हैं। और इसे मैंने चारों तरफ अच्छे से लगा दिया है। अब इसे फोल्ड कर देंगे। वापस से इसके ऊपर बटर लगाएंगे। अब इसे फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। और इसे फोल्ड कर देंगे। इसे एल्युमिनियम फॉइल पे रैप कर देंगे। और इसे फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। 30 मिनट्स हो चुका है और मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। इसे वापस से बेल देंगे।
मैंने इसे बेल दिया है, अब इसे कट कर लेंगे। तो इसके पतले पतले पीसेस कट करना है। मैंने इस तरह से कट कर लिया है। मैं इसे विदाउट मोल्ड के बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने एल्युमिनियम फॉल लिया है, इसे फोल्ड कर देंगे। मैंने इस तरह सभी को रेडी कर लिया है। इस तरह से आप एक एक पीस को लेंगे और इसके ऊपर से रैप कर देंगे। इसी तरह से सभी को रेडी करना है। इसे बटर से ग्रीस कर देंगे। इसे ओवन में बेक करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, सेम टाइम मीडियम फ्लेम पर। जब ये ऊपर से गोल्डन हो जाए तो आप इसे पलट के दूसरे साइड से भी इसे गोल्डन कर लें। मैंने इसे ओवन से बाहर निकाल लिया है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया है। जब ये एक साइड से बेक हो जाए तो आप इसे पलट के दूसरी साइड से भी बेक कर ले। इसे बेक करने में टोटल 25 मिनट्स लगा है। इसे ठंडा कर लेंगे। मैंने इसे ठंडा कर लिया है, अब इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये मोल्ड से बाहर आ गया है। इसी तरह से सभी को निकाल देंगे। आप इसे फेंके नहीं, आप चाहें तो इसे वापस से यूज कर सकते हैं। आप इसे हल्के हाथों से घुमा दें। अब इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम लिया है, इसे व्हिप कर लेंगे। क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भर देंगे।
अब इसकी फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्रीम को इसके अंदर भर देंगे। इसी तरह से आप सभी को भर के रेडी कर लें। क्रीम रोल रेडी है और आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और आप अगर अपनी कोई मनपसंद रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।